नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ हिमानी वशिष्ठ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो काल सर्प दोष होता है, अगर आपकी जन्मपत्र में भी काल सर्प दोष है तो आपको उसको ठीक करने के लिए, उसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए क्या क्या सरल उपाय करने हैं। मैं आपको कोई बहुत खर्चीले या बड़े बड़े महंगे तरीके नहीं बताने वाली हूँ। मैं आपको बहुत ही सरल उपाय जो आप प्रतिदिन कर सकते हैं, ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जिनको आप करके काल सर्प दोष से बच सकते हैं। तो पहला उपाय है कि आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दूसरा उपाय है कि आपको लाल रंग की वस्तुओं को गरीब लोगों को दान करना है। तीसरा उपाय है कि आपको प्रत्येक शनिवार को पीपल के अंदर जाकर, पीपल के वृक्ष में जाके आपको पानी चढ़ाना है और आपको पूजा करनी है। अगला उपाय है कि आपको अपने घर की छत पर या बालकनी में पक्षियों के लिए दाना रखना है, कोई भी धान रखना है, कोई भी अनाज रखना है। अगला उपाय है कि आपको हर बुधवार को आपको भगवान गणेश जी की पूजा करनी है, अर्चना करनी है। इसके अलावा जो मैंने आपको पहला उपाय बताया था कि आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, कृपया जरूर करते रहिए। इसके अलावा अगला उपाय है कि आपको अपने शयन कक्ष में यानी बेडरूम के अंदर एक मोर का पंख जरूर रखना है कालसर्प दोष से बचने के लिए। इसके अलावा अगर आप समुद्र के पास रहते हैं या आपके आसपास कोई नदी है, कोई जलाशय है, तो आपको उसमें इंटेंशन बनाते हुए, आपको ध्यान करते हुए कि प्रभु आपको कालसर्प दोष से मुक्त करे, ऐसा ध्यान करते हुए आपको एक कोकोनट, एक नारियल चढ़ा देना है। इसके अलावा जैसे ही प्रतिदिन सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के समय आप सफेद रंग का चंदन लेकर उसका धुआं कर सकते हैं कोपर की प्लेट में रख के, अर्थात आपको तांबे की प्लेट के अंदर सफेद रंग के चंदन का धुआं करना है, उसको बर्न करना है, सफेद रंग का चंदन बर्न करना है सनसेट के समय पे। आप चाहें तो काल सर्प दोष के लिए पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका यज्ञ भी बहुत ही प्रभावशाली है। इंडिया के अंदर, नासिक के अंदर इसकी पूजा होती है काल सर्प दोष की, और इसके अलावा हिमाचल में बैजनाथ धाम में भी आप इसकी पूजा करवा सकते हैं, और अगर आप उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जाके पूजा करवाना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर उत्तराखंड में हैं तो वहाँ भी बागेश्वर का मंदिर है, जागेश्वर मंदिर है, शिव जी के जो भी प्राचीन सिद्ध पीठ हैं, आप वहाँ इस काल सर्प दोष की पूजा करवा सकते हैं। काल सर्प दोष के लिए आपको जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करनी होगी कि वो सही डायरेक्शन में जाएं, उनकी भी शांति के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो अपने घर की एंट्रेंस पर, घर का जो प्रवेश द्वार है, उस पर चांदी के रंग का, सिल्वर कलर का स्वास्तिक लगा सकते हैं। इसके अलावा काल सर्प दोष दूर करने के लिए आपको एक चांदी का नाग नागिन का जोड़ा बनवा लेना है। उसको आप शुभ मुहूर्त में जाकर, सोमवार में शुक्ल पक्ष के अंदर जाकर शिव जी के किसी भी प्राचीन मंदिर में चढ़ा सकते हैं नाग नागिन के चांदी के जोड़े को। इसके अलावा आप एक नाग देवता की चांदी का नाग बनवा सकते हैं, चाहे छोटा नाग बनवाएं। प्रत्येक नाग पंचमी को हो सके तो उसकी पूजा करें, और हो सके तो प्रत्येक नाग पंचमी को सांप की, सर्प की पूजा करें। आप मंदिर में जाकर सर्प की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही साधारण उपाय और है, अगर आपके घर में स्थान है, संभव है, तो आपको रसोई घर में बैठकर ही भोजन करना चाहिए अगर आपको काल सर्प दोष है। तो ये थे बहुत ही साधारण उपाय काल सर्प दोष को दूर करने के लिए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा मैं आपको ये और बताना चाहूंगी कि अगर आपकी जन्मपत्री में काल सर्प दोष है और आप जानना चाहते हैं कि आप काल सर्प दोष है या नहीं है, तो आप चाहें तो अपना जन्म समय, आपका नाम और जन्म का स्थान
बर्थ, डेट ऑफ बर्थ मुझे लिखकर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं आपकी जन्मपत्री में कैलकुलेट करके आपको बता सकती हूँ कि आपकी जन्मपत्री में काल सर्प दोष है या नहीं है। तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।